नमस्कार दोस्तों दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में मोसी आई ड्रॉप के बारे में। देखेंगे ये क्या होती है, क्यों डाली जाती है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आती है, कितने दिन तक डालने की आती है, सब कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए मोसी एक आई ड्रॉप आती है आंख में डालने की, 5 ml की ये छोटी शीशी मिलती है। इसको दवाई की दुकान से लिया जाता है डॉक्टर की पर्ची से, तो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, आई स्पेशलिस्ट इसका सेल्फ यूज मत कीजिएगा। बात करते हैं भाई ये कहाँ काम आती है। तो देखिए इसके अंदर जो सोल्ट आता है उसका नाम है मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% में, यानी 5 mg कह सकते हो, 0.5% यानी 5 mg। बात करते हैं भाई ये कहाँ दिया जाता है, मोक्सीफ्लोक्सासिन क्या होता है। तो देखिए मोक्सीफ्लोक्सासिन एक एंटीबायोटिक होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। जब आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर फिर डॉक्टर चेक करने के बाद दे सकते हैं, या कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि आंख से पानी आने लगता है, आंखें लाल रहती है, आंखें सूजी सूजी दिखती है, या आंख के अंदर से कुछ गेर जैसा निकलने लगता है जिससे फिर आंखें चिपकती है, चिपक जाती है जब व्यक्ति सुबह उठता है, चिपकी हुई आंखों में फिर दर्द भी बहुत होता है, ठीक है, या आंखों में जलन होना, खुजली चलना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संक्रमण का ये संकेत होते हैं, तो इनको देख के भी डॉक्टर दे सकते हैं, तो वहां पर दी जाती है। या दोस्तों कोई मच्छर वगैरह गिरने के कारण इन्फेक्शन ना हो तो वहां पर भी डॉक्टर दे सकते हैं। किसी चीज की लग जाए आंख में, रक्त का थक्का जम जाए, लाल हो जाए, आंख लाल रहने लगे, आंख में दर्द रहने लगे, तो वहां पर भी दी जाती है। बात करते हैं भाई मोडो वैक्सीन के बारे में, काम किस तरह से करती है। तो देखिए ये जो एंटीबायोटिक होती है ये बैक्टीरिया को मारने के लिए दिया जाता है, बैक्टीरियल की ग्रोथ को कम करता है, उसके इन्फेक्शन को कम करता है, कुछ एंजाइम्स को ये ब्लॉक करके काम करता है जिसके कारण बैक्टीरिया पनपती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं, उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर उनको ब्लॉक कर ये काम करती है मोक्सीफ्लोक्सासिन यानी मोसी आई ड्रॉप। बात करते हैं भाई कितने दिन तक डालनी चाहिए और कितनी बार डाल सकते हैं। तो वैसे तो डॉक्टर ही बताते हैं कितनी बार डालनी है और अपने हिसाब से कभी भी डालना भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं एवरेज डोज के बारे में तो मोक्सीफ्लोक्सासिन की आप दिन में 4 बार डाल सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार यानी मैक्सिमम दिन में 4 बार आप डाल सकते हैं। 5 दिन 7 दिन तक डाली जाती है, उसके बाद ज़्यादा लंबी नहीं डाली जाती है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वैसे बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, तो वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होते, हो सकते हैं जैसे कि डालने के बाद धुंधला सा दिखने लगे, आंखें ड्राई रहने लगे, इरिटेशन हो या डिसकम्फर्टेबल महसूस होने लगे, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं। इस आई ड्रॉप की सावधानी यही है कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। दोस्तों प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर की सलाह से ही डालनी चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। और हाँ डालने के बाद भी अगर आपको 1 वीक तक या 3-4 दिन के अंदर भी आराम नहीं मिले तो इस पर डिपेंड भी नहीं रहना है, एक बार फिर से डॉक्टर को जरूर दिखाना है। मिलते हैं वीडियो।